प्रदेश पुलिस आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली यूपी 112 के माध्यम से त्वरित नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद आजमगढ़ को 14 अदद नई 4 पहिया पुलिस रिस्पांस वाहन पीआरबी तथा 4 अदद 2 पहिया पीआरबी मुख्यालय पुलिस महानिदेशक यूपी 112 द्वारा आवंटित किए गए हैं। इन वाहनों का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी एवं पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ के निर्देशन में रिजर्व पुलिस लाइन्स आजमगढ़ में आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा सभी 18 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर उनके आवंटित स्थानों हेतु रवाना किया गया। जनपद को प्रदत्त 14 चार पहिया पीआरबी में से 6 पीआरबी रूप माउंटेड कैमरा से सुसज्जित है एवं घटना स्थल का स्वयमेव फोटो और वीडियो लेने में सक्षम है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा प्रदान की जा रही आकस्मिक सेवाओं जैसे पुलिस फायर सर्विस, मेडिकल सर्विस, महिला पीआरबी एवं महिला नाइट स्क्वाड से संबंधित आमजन जनमानस को तत्काल सेवा प्रदान करने, सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उक्त समस्त पीआरबी जनपद आजमगढ़ को प्रदान की गई है, जिसमें जनपद आजमगढ़ के नागरिक आपातकालीन हेल्पलाइन 112 का सही समय पर प्रयोग कर यूपी 112 के माध्यम से पुलिस के सहयोग से किसी भी समय सुरक्षा सेवा प्राप्त कर सकते हैं। नई प्राप्त चार पहिया पीआरबी में से जनपद आजमगढ़ के थाना कोतवाली व सिधारी को 2-2 पीआरबी, थाना सरायमीर, जहानागंज, मुबारकपुर, बरदह, बिलरियागंज, गंभीरपुर, तरमा, रानी की सराय, ताहबरपुर व देवगांव को क्रमशः 1-1 पीआरबी, प्राप्त दो पहिया में से अतरौलिया, अहरौला, कोतवाली व सिधारी को क्रमशः 1-1 पीआरबी आवंटित की गई है, जो उक्त थाना क्षेत्रों में रहते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने का कार्य करेंगे। न्यूज लाइन भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। से जो प्राप्त हुई हैं 18 गाड़ियां, जिसमें 14 फोर व्हीलर गाड़ियां हैं और 4 दोपहिया गाड़ियां हैं। नई गाड़ियां प्राप्त हुई हैं डायल 112 रेस्पॉन्स सिस्टम के लिए। जनपद में ऑलरेडी 55 गाड़ियां हमारी थी जो चल रही थी, उनमें से कुछ गाड़ियां ऐसी थी जो पुरानी हो गई थी। तो अत्याधुनिक गाड़ियां स्कॉर्पियो गाड़ियां फोर व्हीलर प्राप्त हुई हैं। इनमें से 6 गाड़ियां ऐसी हैं जिन पे रूफ माउंटेड पीटीजेड कैमरा है जो टोटल 360 डिग्री घूम सकता है, चारों तरफ का जो व्यू है उसको रिकॉर्ड कर सकता है, उसके साथ साथ ऊपर नीचे अलग अलग एंगल पे उसको घुमाया जा सकता है। और जो हमारी पीआरबी जो हमारा फर्स्ट रेस्पॉन्डर है, कोई भी किसी भी प्रकार की घटना होती है 8 से 10 मिनट के अंदर जनपद में पीआरबी मौके पे पहुंचती है। तो उनको पहुंचने के बाद अगर वो इस कैमरे को ऑन करते हैं तो पूरा घटनाक्रम उस कैमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग के रूप में मौजूद रहेगा। इसकी मॉनिटरिंग डायल 112 मुख्यालय लखनऊ से भी की जा सकती है और जनपद में जो 112 कार्यालय है उससे भी की जा सकती है। इसके साथ साथ ये आईपी बेस्ड कैमरा है तो इसकी जो लाइव कवरेज है वो भी हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि पीआरबी अगर किसी घटनास्थल पे पहुंचती है और हमें घटनास्थल को देखने की तत्काल आवश्यकता है तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका है बेहतर पुलिसिंग का। और जो कई बार पुलिस के ऊपर किसी प्रकार के आरोप लगते हैं तो क्योंकि कैमरा होगा तो हर एक चीज़ की रिकॉर्डिंग होगी, उससे बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि कोई भी घटनाक्रम किस प्रकार से हुआ और उसके साथ साथ ये एविडेंस के रूप में भी यूज़ हो सकेगा। इनको आज यहाँ से फ्लैग ऑफ किया गया है और मैं समझता हूँ कि इससे एक बेहतर रेस्पॉन्स टाइम मिलने में और उसके साथ साथ बेहतर पुलिसिंग में हम लोग और बेहतर कर पाएंगे। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।